हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेशन. दोस्तों, ये सेशन थोड़े से समय के बाद हो रहा है, मतलब एक गैप आ चुका था. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है, हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फिर व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, फिर इनोवेशन, इनोवेशन एडॉप्शन, लाइफ साइकिल, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर एक क्वीज ले लेते हैं. और फिर उसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, तो उसका एक रिकैप हो जाएगा. सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, खास करके आपको वापस अपनी प्रिपरेशन रिज्यूम काफी एक करनी है इम्पोर्टेंट सेशन होने तो वाला है. उसके लिए. काफी ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. दोस्तों, सब लोग एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में थम्सअप दिखा दो. उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने मेरा मैसेज देखा होगा. 7:15 की जगह पे मैंने 7:30 बजे किया था. मैंने आपको कम्युनिकेट भी कर लिया था ग्रुप पे, तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि हमेशा ग्रुप में कनेक्टेड रहो. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज इंश्योर कर लेना कि आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके ऊपर. जैसा मैंने आपको आगे भी बताया था, मैंने एक वीडियो रिलीज किया था. काफी स्टूडेंट्स ये चीज को लेके परेशान थे कि क्या सीमैट का एग्जाम होगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा. तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, यार मुझे तो लग रहा है ये होगा, 99% चांसेस है उसके होगा. तो आज मैं देख रहा था यूट्यूब पे, कोई और यूट्यूबर है तो उन्होंने भी शायद एनटीए को कांटेक्ट किया था और वो कांटेक्ट हो गया. क्योंकि एनटीए को पहुंच पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. आप जब मल्टीपल टाइम डायल करते रहते हो तब जाके आपका कनेक्ट बनता है. तो हाँ, तो किसी बंदे ने पूछा उनको, तो फाइनली उन्होंने बताया कि ये सीमेंट एग्जाम हो रहा है और 31 मार्च तक कुछ अपडेट आएगा, वेबसाइट पे ही अपडेट आएगा. हालांकि जब आप उनको कॉल करते हो तो वो एक ही चीज़ बताते हैं कि जो भी आएगा वेबसाइट पे आएगा. वो बेसिकली टेलीकॉलर टाइप बिठाए रहते हैं. तो लेकिन चलो ठीक है, एक कन्फर्मेशन तो आ गया कि एग्जाम होने वाला है. ठीक है, तो अभी हमें उसकी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर लेनी चाहिए. मेरे हिसाब से एग्जाम का डेट आपका होगा कहीं ना कहीं सेकेंड वीक ऑफ मई के आसपास. ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं. तो सेकेंड वीक ऑफ मई इज व्हाट आई फील, नॉट इवन फर्स्ट वीक ऑफ मई. तो आप उसको मान के चलो और अभी से ही आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे लेके जाना है, ताकि आप JBIMS, सिडनी हैम और दूसरे जो भी अच्छे कॉलेज है उसको क्लियर कर पाओ, उसमें एडमिशन आप ले पाओ. ओके, सो गाइस डोंट वरी, आ जाएगा नोटिफिकेशन, जल्दी आ जाएगा. अब आगे बढ़ने से पहले सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा. दोस्तों, पहले तो सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है. सो हिट द लाइक बटन गाइस एंड लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे. सो क्या करने वाले हैं आज? आज थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बहुत क्विक रिकैप होगा. ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में थियोरी समझेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका रिकैप कर लेते हैं. जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योर टर्म के बारे में बताया था. सो द टर्म इज डिराइव फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड वर्ब एंटरप्रेन्योर डे, विच मीन्स टू अंडरटेक. तो एंटरप्रेन्योर डे का मतलब क्या होता है, ये रूट वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक, राइट? उससे एंटरप्रेन्योरशिप आया है. फिर ये जो कुछ लोग थे, पॉपुलर पीपल जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन वगैरह पे काम किया है, तो उसके नाम आपको पता होने चाहिए और उन्होंने क्या बताया था वो आपको पता होना चाहिए. सो रिचर्ड कैंडलन एंड आयरिश इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर टू द वर्ल्ड. एंड अकॉर्डिंग टू कैंडलन, द एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेशलिस्ट इन टेकिंग ऑन रिस्क. एंड कैंडलन डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योर्स एज इंडिविजुअल हु जनरेट प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंजेस. तो दिस हाउ प्रिलिमिनरी डेफिनेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप केम अप. फिर दूसरा था जीन बाप्टिस्ट से, ऑल्सो फ्रॉम फ्रेंच स्कूल एडवांस्ड कैंडिलन्स वर्क, बट एडेड दैट एंटरप्रेन्योरशिप वॉज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट. तो फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो ये बाप्टिस्ट की बात आती है, राइट? इन द 20th सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप वॉज स्टडीड बाई जोसेफ शुमटर. एंड शुमटर ने क्या कहा? सो अकॉर्डिंग टू शुमटर, एन एंटरप्रेन्योर इज विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन इन टू सक्सेसफुल इनोवेशन, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू शुमटर, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. सो ये जो वर्ड्स है वो कौन से एकेडमिशियन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है. आर गेटिंग दिस पॉइंट? एंड इन द 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन फॉर प्रॉफिट बिजनेस टू इंक्लूड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. तो गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप पहले सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज होता था कि आप कुछ भी बिजनेस करते हो टू जनरेट प्रॉफिट, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज होता था. फिर बाद में उसमें
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्लूड किया गया। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, आपको स्मॉल बिजनेस ओनर्स वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये आपको पता होने चाहिए, राइट? कि द टर्म एंटरप्रेन्योर इज ऑफन कंफ्लिक्टेड विद द टर्म स्मॉल बिजनेस, बट मोस्ट एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट आउट एज अ स्मॉल बिजनेस, नॉट ऑल स्मॉल बिजनेस आर एंटरप्रेन्योर इन नेचर। सो क्या डिफरेंस है? सो स्मॉल बिजनेस ऑफर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस एंड दे डू नॉट एम एट द ग्रोथ। मतलब जैसे हमने लिखा था राशन की दुकान या छोटे फार्मासिस्ट है और छोटा एक रेस्टोरेंट है आपकी लोकलिटी में, तो ये सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए। इन कॉन्ट्रास्ट एंटरप्रेन्योर वेंचर ऑफर्स एन इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज एंड द एंटरप्रेन्योर टिपिकली एम्स टू स्केल अप द कंपनी बाय एडिंग एम्प्लॉयज एंड सीकिंग इंटरनेशनल सेल्स एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट? तो ये बेसिक चीज है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हो या अपना ही डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हो? मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में तो कुछ अलग ही चल रहा है। सर NIBM का कट ऑफ क्या होगा? सर NIBM डेट एक्सटेंड करेगा? सर एक बार प्लेलिस्ट बता दो कहां से आएगा? सर टेलीग्राम ग्रुप क्या है? सर वेटिंग फॉर CMAT एग्जाम, मतलब भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं और तुम कौन सी दुनिया में हो? वापस आ जाओ पहले, ठीक है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में थम्सअप दिखा दो यार, कम ऑन फास्ट। ग्रेट, चलो। सो दोस्तों एक काम करते हैं, इसका क्वीज ले लेते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन नए, कुछ क्वेश्चन हमने आगे किए हुए हैं, ठीक है? और बीच बीच में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी ऐसे स्लाइड में दिखाता रहूंगा। सो 3 से 4 मिनट का स्लाइड रहेगा और फिर वापस 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? गाइस क्या आंसर आएगा? व्हाई डज एन आइडिया नीड टू बिकम एन इनोवेशन? सो गाइस आइडिया, आइडिएशन से इनोवेशन क्यों जरूरी है? हाँ, तो क्या आएगा इसमें? राइट, इट्स फॉर ऑल ऑफ दी अबव। कि यार एक आइडिया जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इनोवेशन इज नॉट ओनली अबाउट आइडिया क्रिएशन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, राइट? सो टू बी एग्जीक्यूटेड, येस, टू एड्रेस अ स्पेसिफिक चैलेंज, येस, टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कंपनी, कस्टमर्स एंड प्लैनेट, येस। सो दैट्स वाई ऑल ऑफ दी अबव। सब लोग अग्री करते हो? ग्रेट, चलो गाइस, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर? हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर? राधिका, सुमृता, सोनाक्षी, श्रीराम को मेरा सैल्यूट। भाई इतने ही लोगों को क्यों? हाँ, ये बाकी लोगों ने क्या किया है? शिवांश से क्या खुन्नस है? ये सौम्यश्री को क्यों नहीं? सबको करो यार, ऐसा स्पेसिफिक लोगों को क्यों? हाँ चलो। सो कौन आएगा दोस्तों? रिचार्ड कैंडिलन, ठीक है? हमने अभी उसको रिव्यू किया था, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलो, व्हाट अबाउट दिस वन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या आ जाएगा दोस्तों इस पे? डेफिनेटली दिस वन। तो यार मैंने आपको जब भी मैंने सेशन भी लिए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि यार बहुत ही कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोइट कस्टमर, गलत है ये, ठीक है? राइट, व्हाट अबाउट दिस? हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर? गाइस एंटरप्रेन्योर किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटरप्रेन्योर तो आपको पता है, आपको एंटरप्रेन्योर पता है, एंटरप्रेन्योर इनसाइड अ कंपनी, ठीक है? ऑसम, सब लोग बहुत ही क्लियर है। जिफोर्ड पिंचॉट, राइट, पढ़ा हुआ है। ओके गाइस, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? क्या आएगा? विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सो कैन चूज अ बिजनेस ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज एन एडवांटेज। यू कैन बी क्रिएटिव, यस, मेक अ लॉट ऑफ मनी,
यस, मेक अ लॉट ऑफ मनी, इट कैन बी एन एडवांटेज, राइट, बट यू विल हैव टू मेक डिसीजन अलोन, समटाइम्स इट बिकम्स अ चैलेंज, ठीक है ना। चलो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्चुअली सेल्स प्रोडक्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेस रादर देन द फाइनल कस्टमर, क्या कहेंगे इसको, कौन सा है इसमें से? कम ऑन कम ऑन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्चुअली सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस रादर देन द फाइनल कस्टमर। सो कैन वी से होलसेलर, होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, बड़ा सिंपल सा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिथ, इसमें कौन सा मिथ नहीं है? अरे प्रथमेश, ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त, ठीक है। सो ऑन्टरप्रेन्योर्स कैन बी मेड, ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज फॉर पीपल विथ मनी, इट्स नॉट ट्रू, काफी लोग ऐसा मानते हैं। मिथ मतलब अ परसेप्शन विच इज नॉट ट्रू। ऑन्टरप्रेन्योर्स आर बॉर्न ऑन्टरप्रेन्योर्स, लोग ऐसा मानते हैं, यार मैं तो बन ही नहीं सकता, ये तो बचपन से ही जीनियस था, पैदा ही जीनियस हुआ था इंसान से, लक नहीं, ठीक है। चलो, तो आंसर इज ऑप्शन डी, एज यू मोस्ट ऑफ यू मेंशन। वॉट टाइप ऑफ इकोनॉमी अलाउज गवर्नमेंट टू डिटरमाइन वॉट हाउ एंड होम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड फॉर होम, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, एंड फॉर होम। सो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, करेक्ट, मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, कमांड इकोनॉमी। गाइस, इसका ऑपोजिट क्या होगा बताओगे, कमांड इकोनॉमी का ऑपोजिट क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। यस, श्योर, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, करेक्ट, हाँ, ओके। चेंजेस इन मार्केटिंग प्लान्स बीन मेड ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक आर, गाइस इसमें से कौन से चेंजेस किए गए थे मार्केटिंग प्लान्स में? अब ये मैंने आपको कभी नहीं कराया है, ये आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा कि कंपनी अपने मार्केटिंग में, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग एग्जीक्यूशन में क्या क्या चेंजेस करी करी थी कोविड की वजह से। कस्टमर कम्युनिकेशन, सो डिड दे चेंज द वे दे कम्युनिकेट टू कस्टमर, न्यू प्रोडक्ट रिलीज, क्या उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए थे, ऑपरेटिंग आवर्स चेंज किए थे, ऑल ऑफ दी अबव, क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा सा सोचो और पता चल जाएगा। क्या आना चाहिए? यस, ऑल ऑफ दी अबव। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? श्योर, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों? क्या आएगा इसमें? सो चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, व्हेन यू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू डेफिनेटली मिस आउट ऑन द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट, व्हेन यू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू मिस आउट ऑन द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन और समथिंग, ग्रेट, चलो, ओके। सो दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है, इनकेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, सो एक नया बैच आ रहा है, सो वेन एवर यू गो फॉर कैट गो यूजिंग कोड चार्ट 10। और दूसरा, एक अनएकेडमी ने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, सो उसके बारे में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अ वर्ड अमंग योर जूनियर्स, ठीक है। तो जैसे अभी आप अनएकेडमी का टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो, स्पेशली आप अगर कैट 24-25 को टारगेट कर रहे हो, राइट, हाँ। समवन इज आस्किंग, सर प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता था कोविड में? ओके,
प्रथमेश, वेरी वैलिड क्वेश्चन गाइस। सो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लो, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, पूरा उसका वैक्सीन बनाया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। काफ़ी सारे जो यू नो ये अप्रेल्स के कंपनीज थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मास्क का सेल बढ़ा दिया, मास्क इंट्रोड्यूस किए, जो पहले मास्क बनाते ही नहीं थे। आई एम श्योर आप लोग भी नाइकी वगैरह के तो मास्क पहनते थे पहले, क्या नाइकी के मास्क आते थे? नहीं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको नाइकी के स्टोर में पहले मास्क थोड़ी ना देखने को मिलते थे, सडनली वो आया तो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी मास्क पहले क्या था कि भाई मेडिकल स्टोर में ही मिलते थे, लेकिन उन्होंने फैशनेबल मास्क बना दिए। सो काफी तरीके से उन्होंने इनोवेशन भी किए प्रोडक्ट्स में और नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। इनफैक्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ गाइस। जो कोचिंग एकेडमी थी, तो जो कन्वेंशनल कोचिंग एकेडमी थी, जिनका कोचिंग क्लासेस चलते थे, कोविड की वजह से कोचिंग क्लासेस बंद हो गए, तो उन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, पूरी नई प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करी। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इन दैट कंटेक्स्ट वी आर सेइंग के इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आई रियली होप दैट इज क्लियर। हाँ श्योर, ओके। सो गाइज, इनोवेशन, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। इन द एंटरप्रेन्योरियल कंटेक्स्ट, इनोवेशन इज एनी न्यू आइडिया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट और अ चेंज टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट एड्स वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। इनोवेशन ऑल्सो मीन्स डेवलपिंग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड इज अ ड्राइवर ऑफ रिडिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस और क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू वन। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है। इनोवेशन मेनली हेल्प्स इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इट ऑल्सो हेल्प द कंपनीज टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार टाइप की इनोवेशन आप सबको याद होने चाहिए, डिसरप्टिव, रेडिकल, इंक्रीमेंटल एंड सस्टेनिंग। तो गाइज, उसका डायग्राम हमें पता है, वो डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके ऊपर दो क्वेश्चन आप पकड़ के चल सकते हो। राइट, सबको याद है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो, डू यू ऑल रिमेंबर दिस इनोवेशन एंड द टाइप्स ऑफ इनोवेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस? जैसे डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है, रेडिकल इनोवेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमने एक अलग टर्म भी इंट्रोड्यूस किया, देखा था कि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। राइट, चलो। सो गाइज, या लेट्स लुक एट दिस, लेट्स लुक एट सम क्वेश्चन विच आर ऑन इनोवेशन। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरप्टिव इनोवेशन? सो डिसरप्टिव प्रोडक्ट इज वेयर, क्या आएगा इसमें से? ऑसम, चलो अच्छी बात है। डिसरप्टिव प्रोडक्ट इज वेयर द प्रोडक्ट इज सो न्यू दैट द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज द बिहेवियर टू यूज इट, द प्रोडक्ट इज इनकम्पेटिबल विद द प्रीवियस वर्जन, द प्रोडक्ट इज द मेजोरिटी परसेंटेज ऑफ द मार्केट शेयर, क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, इट्स ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, व्हाट डज इनोवेशन मीन गाइस, क्या इसमें सेलेक्ट करोगे? जस्ट अ मोमेंट गाइस, कुछ 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 हैविंग ओके गाइस, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक एवरीवन। सुनो सुनो सुनो, एग्जीक्यूटिंग एन आइडिया विच एड्रेस इज अ स्पेसिफिक चैलेंज एंड अचीव वैल्यू फॉर बोथ कंपनी एंड कस्टमर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैविंग एन आइडिया विच एड्रेस इज अ स्पेसिफिक चैलेंज, गाइस सिर्फ आइडिया होने से चलेगा या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? सोचो यार थोड़ा सा, आप कैसे बी सी वगैरह टाइप कर सकते हो? हैविंग अ न्यू आइडिया एंड मेकिंग इट बिकम पॉपुलर सो पीपल अग्री विथ इट, यार ये तो एब्सोल्युटली रिडिक्यूलस है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हैविंग एन आइडिया एंड एग्जीक्यूशन दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है सबको? करेक्ट। सो प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे यार, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप ऑप्शन बी टिक करके आ जाओगे यार, फिर तो पानी में गया। आप थोड़ा सा पॉज ले लो और सोचो, वर्ड्स से खिला हुआ है यहां पे, ठीक है ना? क्या सब लोग क्लियर है? हाँ, देवर अबाउट
15-20% स्टूडेंट्स जिन्होंने सही किया था, बट आई वॉज सरप्राइज कि 80% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो दिस पर्सन अप्लाइड द वर्ड एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस किसने अप्लाई किया था एंटरप्रेन्योर टू द बिजनेस, किसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था? हाँ, राइट। सो हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंटरप्रेन्योर? रिचार्ड कैंटिलन, राइट। एक ही सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा है। इनोवेशन इन बिजनेस इज डिफाइंड एज, इनोवेशन इन बिजनेस इज डिफाइंड एज, क्या इसमें सिलेक्ट करेंगे दोस्तों? इन्वेंशन नहीं, अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस आइडिया, सिर्फ आइडिया से नहीं चलेगा, गेटिंग न्यू कस्टमर नहीं, इट्स अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, इन जनरल कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। गाइस ये मैंने आपको कराया हुआ है, उसी का वही सवाल मैंने वापस पूछा है, याद होना चाहिए आपको। कुछ स्लाइड्स मैंने वही ली है जो हमने पहले करी है, कुछ नहीं है। जैसे ये इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, यू आर जस्ट एडिंग न्यू फीचर्स टू योर प्रोडक्ट, राइट। एब्सोल्युटली, एडिंग फ्रेग्रेंस टू एन एग्जिस्टिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट। चलो, विच टाइप ऑफ इनोवेशन इज यूज टू चेंज द बिजनेस मॉडल? आप कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर रहे हो, तो कौन से टाइप का इनोवेशन यहां पर आया? क्या आएगा इसमें दोस्तों? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट विल बी स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, ठीक है, ग्रेट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर इनोवेटर इज, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर इनोवेटर इज, क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही सिंपल है यार, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट हैज टू बी ऑप्शन सी, दे कन्वर्ट अ ग्रेट आइडिया इनटू बिजनेस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन मैनेजमेंट मेथड इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट कैन बूस्ट द लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विद इन एन एग्जिस्टिंग कैटेगरी अहेड ऑफ इट्स कंपीटिटर्स? थोड़ा सा सोच के मुझे बताना। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? सॉरी सॉरी, यहां पे दोनों सही है यार, ब्रेक थ्रू भी कह सकते हो, डिजरप्टिव भी कह सकते हो। सो गाइस, कुछ जगह पे इसको ब्रेक थ्रू कहा है, कुछ जगह पे डिजरप्टिव कहा है, ठीक है ना। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बट इट इज श्योरली नॉट इंक्रीमेंटल। सो ब्रेक थ्रू एंड डिजरप्टिव दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट अगर ऐसा आता है तो आप ब्रेक थ्रू सेलेक्ट करना, क्योंकि ये एक बुक का क्वेश्चन है और आपको पता है यार, एनडीए वाले खुद तो सोचते थोड़ी ना बैठते हैं, बुक से क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करके आ जाना, ठीक है। चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनोवेशन मैट्रिक्स? हाँ नहीं, ये मैंने पहले की स्लाइड से लिया है, तो ऑफकोर्स वो मिस्टेक कैरी ओवर होगी, बट वो इंटेंशनली वो स्लाइड रखी हुई है ताकि आपको पता चले बुक्स में क्या लिखा हुआ है एंड एक्चुअली क्या है। हाँ हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि ये मैंने एज इट इज, अपने जो पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन एज इट इज लिए है। सो नॉन फाइनेंशियल रिटर्न इज नॉट वन ऑफ द इनोवेशन मैट्रिक्स। तो गाइस, विच आर द इनोवेशन मैट्रिक्स, विच आर पार्ट ऑफ द इनोवेशन मैट्रिक्स? सो इनोवेशन मैट्रिक्स इज अ विजुअलाइजेशन that incorporates various aspects of innovation. There are four types of innovation matrices: productivity level, portfolio health, financial returns and activity mix. ये एक theoretical point है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है।
Now, which one of the following is correct in reference to technological innovation? दोस्तों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मतलब सेट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, सेट ऑफ पैरामीटर्स आप उसको मैट्रिक्स कह सकते हो, और सेट ऑफ वेरिएबल्स भी काफी जगह पे उसको भी मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या आएगा? कि सिर्फ आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू आइडिया, वो कभी भी इनोवेशन नहीं होता है। जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन आइडिया नहीं। सो गाइज ऑल ऑफ दी अबव नहीं आएगा तो बचा क्या? इट हैज टू बी ऑप्शन बी। हाँ नहीं, सत्यम, वो मेट्राइस अलग होता है, और बिजनेस के अंदर जो वर्ड यूज होता है ना मेट्राइस, वो अलग है। ठीक है चलो, चूज द रॉन्ग आंसर। द लो एंड मार्केट इज, गाइज व्हाट इज द लो एंड मार्केट? रॉन्ग आंसर नहीं होता है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस पार्ट। चूज द रॉन्ग, क्या आएगा? इट हैज टू बी, हाँ, करेक्ट। सो गाइज हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। द लो एंड मार्केट इज वेयर ओनली सिंपल प्रोडक्ट विद डिसेंट क्वालिटी आर ऑफर्ड। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना, वहां पे कौन से प्रोडक्ट ऑफर होते हैं यार? जो वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। अगर प्रोडक्ट्स विद लिटिल मार्जिन आर ऑफर्ड, यस यार उधर मार्जिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, वेर कॉस्टली एंड हाईली परफॉर्मेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड, नहीं ये गलत है। इज अ सेगमेंट दैट कंपनीज टेंड टू नेग्लेक्ट एज दे ग्रो। गाइस जैसे ही आप ग्रो हो जाते हो, आप मोस्टली वो सेगमेंट को इग्नोर करते हो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है चलो, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ एस कर्व ऑफ टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल। गाइस टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल का एस कर्व का एक्सिस क्या होता है? क्या आपको पता है ये टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल एस कर्व वगैरह? नहीं पता है। ठीक है तो गाइस यहां पे देखो, उसमें होता है बिजनेस परफॉर्मेंस एंड टाइम, मतलब आप परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब बिजनेस कितना हो रहा है और टाइम के साथ में आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है उसको आप देखते हो। ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एस कर्व के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। द एस कर्व शोज द इनोवेशन फ्रॉम इट्स स्लो अर्ली बिगिनिंग एज द टेक्नोलॉजी और द प्रोसेस इज डेवलप टू एन एक्सेलरेशन फेज और अ स्टीपर लाइन एज इट मेच्योर्स एंड फाइनली टू इट्स स्टेबिलाइजेशन ओवर टाइम द फ्लैटरिंग कर्व विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ द आइटम और ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इट। सो गाइज यहाँ पे बिजनेस गेन आपको दिखाया है, मतलब बिजनेस गेन मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंडेक्स आप ऐसे समझ लो, एंड यहाँ पे टाइम दिखाया हुआ है। सो ये उसके एक्सेस है। अब देखो ये हमने आगे डिस्कस नहीं किया है, और जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ यार, जैसे ही मेरे सामने कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, बुक में कुछ मुझे नया दिखता है कि मुझे लगता है यार ये पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पूछा है तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन लाइफ साइकिल पे भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल पे भी कुछ पूछ सकते हैं, तो हमने ये देख के रख लिया। तो आप कोई भी सेशन मिस करोगे, देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 मार्क, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, आप चाहो तो कहीं पे नोट कर सकते हो ये। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस गाइस। यार बिजनेस परफॉर्मेंस मतलब सेल्स ही हुआ गाइस। आप बिजनेस परफॉर्मेंस कहो, परफॉर्मेंस इंडेक्स कहो, सेल्स कहो, तो यार ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, पर बिजनेस परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली सेल्स, इट्स अबाउट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप ऐसे भी देख सकते हो।
Which type of innovation seeks to make a better product to target the high end of the market? क्या आएगा? मेक अ बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम बेटर बना रहे हैं टू टारगेट द हाई एंड ऑफ द मार्केट। मतलब मैंने थोड़े से और फीचर्स ऐड कर दिए और अब मैं हाई एंड ऑफ द मार्केट टारगेट कर रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा सोचो, ठीक है? तो उसमें कौन सा आएगा? सस्टेनिंग इनोवेशन आएगा दोस्तों। इट्स पार्ट ऑफ द सस्टेनिंग इनोवेशन, इट्स नॉट अ डिसरप्टिव इनोवेशन। यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट बेटर। आर गेटिंग दिस पॉइंट? यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, यू जस्ट मेकिंग योर प्रोडक्ट बेटर बिकॉज यू वॉन्ट टू टारगेट हाई एंड ऑफ द मार्केट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज महिंद्रा कार्स है। अब महिंद्रा कार्स में जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप के कंटेक्स्ट में अलग से देख सकते हो। सो महिंद्रा ने एक पूरा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, काफी हाई एंड मार्केट को टारगेट करते हुए, XUV700। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? काफी अच्छा एक कार इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो XUV700 मुझे नहीं लग रहा है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास यूज करेगा, है ना? वो कौन यूज करेगा? अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास यूज करेगा। तो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि काफी उन्होंने प्रोडक्ट को बेटर बनाया। अग्रीड गाइस? चलो, वन मेजर एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू डेवलप अ प्रोडक्ट इज, वन मेजर एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू डेवलप अ प्रोडक्ट इज क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है ये। दीपक शाही सिंह सर, मैंने SSC CGL का एग्जाम दिया हूं, मुझे CMAT का एग्जाम देना है। तो दोनों यार, उसमें मेरी परमिशन की थोड़ी ना जरूरत है, और फ्री वीडियोस मेरे अवेलेबल है, उसको देखो पढ़ो और दे दो। कई स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है? दिस इज व्हाट यू गेट बाय बीइंग अर्ली मूवर। कंज्यूमर्स विल बाय अ न्यू प्रोडक्ट ओनली इफ, कंज्यूमर्स विल बाय सत्यम, देखो यार, SSC अपने आप में एक अच्छा बड़ा एग्जाम है, कैट अपने आप में एक बड़ा एग्जाम है यार। आप दो एग्जाम को एक साथ में करने जाओगे, डेफिनेटली आप अपना 50-50% दोगे, उसकी जगह पे कोई एक एग्जाम पे 100% दो। प्रायोरिटाइज करो यार, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू करना या फिर गवर्नमेंट जॉब को सीख करना, क्या है यार, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना? मैं कभी भी दो चीजें एक साथ करने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब आप दो चीजें एक साथ करते हो ना कहीं आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो। पता है, जो लोग भी दो चीजें एक साथ में करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है वो उनको अपने आप पे डाउट है कि यार मुझसे नहीं हो पाया, तो प्लान बी रेडी करते हैं। एंड द मोमेंट यू प्रिपेयर योर प्लान बी, चांसेस ऑफ योर प्लान ए बिकमिंग सक्सेसफुल गोज डाउन, क्योंकि आपने प्लान बी रेडी रखा है। तो एक मेंटल कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, ठीक है? अब मैं ज्यादा फिलोसॉफी में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है? सो गाइज, इट कैन बी सोल्ड एट ए लोअर प्राइस देन फॉर अ कंपीटिंग प्रोडक्ट, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इंक्रीजेस द टोटल यूटिलिटी दे ऑब्टेन फ्रॉम द लिमिटेड इनकम, राइट? टोटल यूटिलिटी जिसमें ज्यादा होती है वो। इट हैज अ लोअर मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड, नहीं। देयर इज अ सब्सटेंशियल बजट फॉर प्रमोटिंग एंड मार्केटिंग, नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी ऑप्शन डी। चलो गाइस, प्रोसेस इनोवेशन टेंड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ फर्म्स प्राइमरली बाय, क्या आएगा? प्रोसेस इनोवेशन। सो गाइस, जब आप प्रोसेस को बेटर बनाते हो, नॉर्मली आपकी जो कॉस्ट है वो कम जाती है बाय डिक्रीजिंग द फर्म्स एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने से थोड़ी ना प्रॉफिट इंक्रीज होता है। फर्म्स टोटल रेवेन्यू नहीं, प्रोसेस इनोवेशन से फर्म का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये सारे जरूरी नहीं है। सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए, ठीक है? चलो गाइस, प्रोडक्ट इनोवेशन टेंड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ फर्म्स प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग द टोटल रेवेन्यू। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट इनोवेशन, डेफिनेटली यू आर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटेड प्रोडक्ट, तो वो ज्यादा बिकेंगे एंड दैट विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट?
ओके okay. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा रिवीजन का भी है, तो इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ. सो इनोवेशन इज अ मेजर फैक्टर इन कंपटीशन बिकॉज इट कैन क्या आएगा, सीमैट का कौन सेक्शन एसएससी सीजीएल के कौन सेक्शन से अलग है? यार ऑलमोस्ट एट पार है. सीमैट में थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, सीमैट में थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. जैसे सीमेंट में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन कैट लेवल के वो देते हैं. हालांकि एसएससी सीजीएल के मैंने लेटेस्ट पेपर नहीं देखा यार, एक अरसा हो गया जब मैंने उनका पेपर देखा था. मैं एक्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकता, इट माइट बी के उन्होंने भी थोड़ा चेंज किया हो. क्या आएगा दोस्तों? देखो गारंटी तो कोई चीज की नहीं होती है, तो क्या आएगा? एनेबल फॉर्म्स टू मेक कंपिटिटर्स प्रोडक्ट ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड. क्या समझ में आ रहा है? यार आपका आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया विद बेटर फीचर, तो ऑटोमेटिकली कंपिटिटर के प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं. अब उनको भी वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ यार, इंडिया के अंदर मतलब सबसे पहले वो अभी कार में पता है आपको एक बड़ा सा पैनल आता है, डैशबोर्ड जो है ना, अभी बहुत बड़े आ गए. जैसे आपने XUV700 में देखा होगा, किया सेल्टॉस में देखा होगा, तो काफी सारे कार में वो एक्चुअली मर्सिडीज वगैरह ने इंट्रोड्यूस किया था. फिर उसके बाद में इंडिया में पहली बार ऐसा लंबा पैनल सेल्टॉस में देखा गया था. ठीक है, इंडिया में ऐसा लंबा पैनल आपको सेल्टॉस में दिखा गया. अब जैसे ही सेल्टॉस ने वो इंट्रोड्यूस किया, तो बाकी सारे कंपनीज ने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया. अभी फाइनली क्रेटा में भी वो आ गया कि यार अभी वो कस्टमर की डिमांड हो गई, तो बाकी लोगों के पैनल बहुत ही आउटडेटेड लगने लगे. तो ऐसे काफी सारे फीचर्स होते हैं. समझ में आ रहा है? चलो गाइस, पेटेंट होना जरूरी नहीं है, हर इनोवेटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट में पेटेंट होना जरूरी नहीं है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो, विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू द लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन? गाइस लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन तो क्या आएगा? ये टारगेट नॉन कंजम्पशन. गाइस यहां पे कुछ तो कुछ टाइपो है शायद, लिखने में कुछ हो गया है. बढ़िया, इट डिलीवर्स प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट. द क्लासिक एग्जाम्पल इज नैनो. ठीक है, टाटा नैनो. डू यू ऑल अग्री गाइस? लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन क्लासिक एग्जाम्पल क्या होगा? टाटा नैनो होगा कि नहीं? ठीक है, ओके, राइट. Nowadays, the main condition for a company to be highly competitive is जियो भी कह सकते हो. एब्सोल्युटली जियो भी कह सकते हो, क्योंकि जियो एक रेडिकल इनोवेशन है, नया टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. राइट, हमने शायद आगे भी डिस्कस किया है. ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? टू डेवलप अ वेरी गुड डिजाइन. यार मतलब बहुत ही लिमिटेड हो गया ये. टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. यार ये बहुत ही जनरल चीज है, मतलब हो सकता है बट जनरल चीज है. टू डेवलप अ गुड बिजनेस मॉडल. ठीक है, टू डेवलप अ गुड बिजनेस मॉडल. टू नेग्लेक्ट प्रोडक्ट्स विद लिटिल प्रॉफिट मार्जिन एंड फोकस मोर ऑन प्रोडक्ट्स विद हायर प्रॉफिट मार्जिन. सो उससे आप कंपिटिटिव नहीं होगे. ठीक है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स. यार परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करने से आप हाईली कंपिटिटिव थोड़ी ना हो जाओगे. सो गाइस, टू डेवलप अ गुड बिजनेस मॉडल इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ इज द मेन कंडीशन फॉर अ कंपनी टू बी हाईली कंपिटिटिव इज टू डेवलप अ गुड बिजनेस मॉडल.
Are you getting this point? It's not going to be option A, B, D, E. It has to be option C. So, isko thoda sa note kar lena. Chalo. What is the risk of sustaining innovation? Guys, sustaining innovation ka risk kya ho sakta hai? Business model is very important nowadays to survive. ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब लोग कर लेंगे, लेकिन यार आपका बिजनेस मॉडल क्या है ये डिसाइड करेगा हाउ कॉम्पिटिटिव आर यू, हाउ सक्सेसफुल विल यू बी इन द मार्केट. ठीक है, व्हाट इज द रिस्क ऑफ सस्टेनिंग इनोवेशन? सो सस्टेनिंग इनोवेशन मतलब कंटिन्यूअस इनोवेशन उसमें आप डाल रहे हो, राइट? इंक्रीमेंटल सस्टेनिंग आपको पता है. सो पीपल वॉन्ट बिलीव दैट द कंपनी डज इट फॉर अ नॉट नॉन प्रॉफिट रीजन. यार कंपनी कहां पे कन्विंस कर रही है कि वी आर डूइंग इट फॉर नॉन प्रॉफिट रीजन? सो आई डोंट थिंक के ये कुछ मीनिंगफुल लग रहा है इसमें. सो ऑल ऑफ द अबव तो निकाल सकते हो. कंपनीज विल ओवर सर्व सम कस्टमर्स विद टू सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब आप बहुत इनोवेशन करते रहोगे तो क्या होगा, कस्टमर की डिमांड नहीं है, वो फीचर भी आप उनको प्रोवाइड कर दोगे. दैट इज कॉल्ड ओवर सर्व द कस्टमर. कस्टमर चार फीचर मांग रहा है, आपने 10 फीचर दे दिए. दैट इज कॉल्ड यू आर ओवर सर्विंग द कस्टमर. प्रॉफिट मार्जिन्स वॉन्ट कवर द एक्सपेंसिस दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस इनोवेशन. ये भी सही है वैसे तो. प्रॉफिट मार्जिन्स वॉन्ट cover the expenses that are needed to implement this innovation. Okay, but dosto yahan pe all of the above to nahi aayega. People won't believe that the company does it for a non-profit reason. Yaar, ye matlab company, see, logo ko pata hai, consumers know that companies are operating for profit reason. So yahan pe non-profit reason to kuch convince karne ka koi matlab hi nahi banta hai. These two are very close, guys. If I am to select, I'll select option B. Companies will overserve customers with two sophisticated products because a continuous innovation introduced kar rahe ho. Are you getting this point? Profit margins margins won't cover the expenses that are needed to implement this innovation. That is still not necessary. Bas dono bhi necessary nahi hai. Thoda ambiguous question hai, but agar aisa question aata hai, you can select option B. Abhi clear? Chalo. ओके दोस्तों, हमने इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल भी किया था. आपको पता है मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड हाउ द कस्टमर एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, राइट? मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कस्टमर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट, कस्टमर एडॉप्टिंग द प्रोडक्ट. सो द कॉन्सेप्ट वॉज कॉइंड बाय दिस रॉजर्स इन हिज बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम याद रखना. एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन 5 कैटेगरीज, तो आपको याद होगा इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगार्ड्स. याद है ना? ठीक है, ओके. सो द प्रोसेस बाय विच गाइस, एक सेकेंड ना, जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, अगर मैं थोड़ा सा उसमें देखता हूं, यहां पे रिस्क वर्ड हुआ है एंड कंपनीज विल ओवर सर्व सम कस्टमर विथ टू सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट. ये रिस्क नहीं हुआ, ये भी रिस्क नहीं हुआ. सो प्रॉफिट मार्जिन्स वॉन्ट कवर द एक्सपेंस दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द इनोवेशन. या एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को पार्क कर देना. मैं एक चीज कह सकता हूं कि ऑप्शन ए नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, बट क्योंकि यहां पर वर्ड रिस्क भी है तो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए. थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा. आई चेक इन सम अदर रेफरेंस मटीरियल एंड कम अप के वॉट द सेकेंड मिशन से, क्योंकि मेरे कहने से आंसर सही नहीं होगा. मुझे क्या लगता है उससे आंसर सही नहीं होगा. वी नीड टू लुक एट वॉट रेफरेंस मटीरियल से, राइट? और इसलिए यहां पे मैं अभी एक कंफर्म आंसर नहीं बताऊंगा. सो ये क्वेश्चन को हम साइड में रख देते हैं, बट आई विल मेक अ पॉइंट कि मैं इसका आपको एक सही आंसर दे दूं. ठीक है, चलो. सो गाइस, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. सो लेट्स गो अहेड. द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट एंड यूज न्यू प्रपोजिशन. प्रपोजिशन मतलब जो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट, इज रिफर्ड टू एस, क्या कहेंगे इसको? एडॉप्शन. तो इसको हम कहते हैं एडॉप्शन. ठीक है, चलो. दिस रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय अ न्यू प्रोडक्ट स्प्रेड्स थ्रू अ पॉपुलेशन. इसको क्या कहेंगे दोस्तों?
न्यू प्रोडक्ट स्प्रेड्स थ्रू द पॉपुलेशन, स्ट्रेट क्वेश्चन है भाई ये। हाँ यार तुम लोग है ना, मतलब जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना वो कुछ भी कहेंगे, प्रोडक्ट टाइमलाइन, प्रोडक्ट स्प्रेड, कुछ भी कहेंगे, बट जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, मतलब द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट रीचेस स्प्रेड्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली मेजोरिटी द बेस्ट। गाइस अर्ली मेजोरिटी, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अर्ली मेजोरिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? क्या आएगा? आर दे स्केप्टिकल पीपल, आर दे ट्रेडिशनल पीपल, आर दे मेक द डिसीजन डेलिबरेटली, वेंचर सम पीपल, क्या आएगा? हाँ अर्ली मेजोरिटी, अर्ली एडप्टर्स के बाद में अर्ली मेजोरिटी आता है ना, सबसे पहले इनोवेटर्स, फिर अर्ली एडप्टर्स, फिर अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड देन लेगार्ड्स। सो गाइज अर्ली मेजोरिटी वाले कौन होते हैं? जो थोड़ा सोच समझ के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं एकदम से, और नया कुछ भी आता है परचेस कर लो ऐसा नहीं। सो सोच समझ के परचेस करना मतलब डेलिब्रेट करना, ठीक है? सो डेलिब्रेट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर अर्ली मेजोरिटी, ये हमने किया हुआ है, को पता होगा। गाइज इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, दैट इज एडप्शन ऑफ इनोवेशन, सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन विच डिटरमाइंस इट्स रेट ऑफ एडप्शन इन अ सिस्टम आर गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स, कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट नहीं है? तो क्या आएगा? सो गाइस यहां पे देख लेते हैं, ये देखो ये रहे द फाइव एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन दैट इन्फ्लुएंस एडॉप्शन आर ट्राएबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, रिलेटिव एडवांटेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अफोर्डेबिलिटी इज नेवर अ क्वेश्चन, कि कितना प्रोडक्ट अफोर्डेबल है कोई जरूरी नहीं है, तो ये उसमें से एक नहीं है, उसमें से एक एट्रीब्यूट नहीं है, याद है ना आपको? मतलब लाख रुपए का फोन आता है मार्केट में, हॉटकेक की तरह सेल होता है, लाख नहीं 1.5 लाख का फोन, iPhone 15, ठीक है? तो अफोर्डेबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट? चलो गाइस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल एडप्टर टाइप कैटेगरी इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट एंड और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कौन आएगा इसमें? स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड हैव दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये कौन होते हैं? गाइस ऑब्वियसली इनोवेटर हो गए कि नहीं यार, इनोवेटर्स, ठीक है? चलो दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हु एंजॉय बीइंग एट द लीडिंग एज ऑफ इनोवेशन एंड बाई इन टू न्यू प्रोडक्ट्स एट दी अर्ली स्टेज, ठीक है? एंजॉय बींग एट द लीडिंग एज ऑफ द इनोवेशन। अब यहां पर देखो मैंने इनोवेटर्स दिया ही नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो क्या सिलेक्ट करोगे दोस्तों? अर्ली एडप्टर्स करेंगे कि नहीं? अगर देखो अर्ली एडप्टर्स एंड इनोवेशन इनोवेटर्स आ जाएंगे ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बहुत ही थीन लाइन है इनोवेटर्स को अर्ली एडप्टर्स से सेग्रीगेट करने में, राइट? मतलब जो बुक्स भी लिखे गए उसमें थोड़ा सा उन्होंने एम्बिगुअस वे में ही लिखा है, तो मेरे लिए भी उसको बहुत डिमार्केट करना मुश्किल हो जाता है, राइट? फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं। चलो गाइस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थियोरी इज एसोसिएटेड विथ, कौन आएगा? एवरेट रॉजर्स, सीमेट का क्वेश्चन है 2023 का। सो या मैंने जस्ट इसलिए एक बार दिखा दिया। ओके अब लास्ट पार्ट आ जाता है, सो गाइस 10 मोर मिनट्स एंड वी आर डन विद द सेशन, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ने की आदत तो है नहीं वैसे, तो 1 घंटे से ज्यादा तो आप टिकोगे नहीं, है ना? ये देखो अभी भी दिख रहा है स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं कब से।
सो गाइज ऑन्टरप्रिनरशिप आपको पता होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, ऑन्टरप्रिन्योर एंड ऑन्टरप्रिनरशिप दोनों का डिफरेंस माइंड में क्लियर रखना. एंड ऑन्टरप्रिनरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट. कन्वेंशनल बिजनेसमैन वर्सेस ऑन्टरप्रिन्योर, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए थे, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगे. इनफैक्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑन्टरप्रिन्योर आपको पता होना चाहिए, पैशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेशन, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉलेज. ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रिन्योर मैंने सारे बहुत ही डिटेल में कराए थे. ड्रॉन ऑन्टरप्रिन्योर क्या होता है, फेबियन, इमिटेटिव, इनोवेटिव, बिजनेस ऑन्टरप्रिन्योर, ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट ऑन्टरप्रिन्योर, तो ये सारे मैंने आपको बताए थे. ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. राइट, मोहित इज सेइंग सर माय एम इन सीमैट 2024 विद इज टू गेट 100% परसेंटाइल, कैन यू गाइड मी? डेफिनेटली मोहित, मैं तो सब स्टूडेंट्स के लिए हूँ और मैं तो चाहता हूँ आप में से ही स्टूडेंट्स 100% परसेंटाइल लाए. ठीक है, बट ऐसा कुछ अलग से मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपके कान में आके मैं कुछ कह दूँ कि मोहित ये कर लेना तेरे 100% परसेंटाइल आ जाएंगे. जो भी मुझे कहना है मैंने अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हुआ है, मैं अपने सेशन में भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक शेयर करता रहता हूँ, रेगुलरली अटेंड करो, दैट्स इट. इज दैट क्लियर मोहित? इस साल की क्लासेस में नहीं कराया है गाइस? एक सेकंड, मैंने ये सारा नहीं कराया क्या? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव, फेबियन, ड्रॉन, बिजनेस, ट्रेडिंग, ये नहीं कराया क्या? एक बार जल्दी से कंफर्म करो. अच्छा गाइस, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव एलआर सेशन एवरीवन, पर वो कहां पे होगा? यूट्यूब पे नहीं है. तो यार ये देखो, अभी एक बच्चा ऐसा कह रहा है सर ये तो हमने किया ही नहीं है. तो यार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए. ठीक है गाइस, टुमारो विल हैव क्लास एट 7:15, शार्प 7:15 होगा. मैं फिर से बता देता हूँ, कल शार्प 7:15 क्लास होगा क्योंकि वो ऐप पे रहता है. सो 7:15 PM ऑन ऐप. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फ्री सेशन. तो आपको पता है ना, ऐप पे जब आप पहली बार सेशन अटेंड करते हो तो आपको एक अनलॉक कोड मांगता है, तो शार्क टैंक कोड यूज कर लेना, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको आ जाना है. ठीक है, ओके चलो. तो गाइज प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट अ बिजनेस, इसमें से कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस है ये आपको बताना है. हाँ, सो यस, आगे का दोस्तों इसके बाद का जो पार्ट है वो हम करेंगे ना आने वाले दिनों में. सो नेक्स्ट वीक से हम वो करेंगे. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस आर एक्सटर्नल फोर्सेस गाइस. ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स आर व्हाट? हु आर द ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स? क्या होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, बताओगे? एब्सोल्युटली, दे रेजिस्ट चेंज. कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर, दे रेजिस्ट चेंज. ठीक है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स आर होम गाइस. ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, दे आर द मीडिएटर्स ट्रेडिंग. ठीक है, दे जनरेट प्रॉफिट बाय एक्टिंग एज मीडिएटर. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ फेबियन एंटरप्रेन्योर गाइस? इनमें से कौन सा फेबियन एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल होगा? याद है फेबियन एंटरप्रेन्योर? अह
सो समवन इज सेइंग सर ऐप प्लीज नेम प्लीज, अरे अनअकैडमी लर्नर ऐप, अनअकैडमी लर्नर ऐप मैं लिंक शेयर करूंगा उस पर क्लिक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। हाँ मल्टी चेन रेस्टोरेंट इन द सिटी, ठीक है ना। फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कन्वेंशनल बिजनेस ही होता है, धीरे धीरे एक्सपांड करता है। डू यू ऑल अग्री गाइस? एंड या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जांपल ऑफ इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन सा आएगा? सो इसमें गाइस सारे इमिटेटिव है। जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस किसके बाद शुरू करी? आफ्टर स्विगी, याद है ना, आफ्टर स्विगी। सिमिलरली फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये क्या है, अमेजोन का कॉपी है भाई, अमेजोन, ईबे, ये सबका कॉपी है ना। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो हमारा एक क्विक रिकैप एंड टेस्ट का पर्पस था वो आप लोगों मतलब सर्व हो गया होगा और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना कैसा लगा आपको आज का सेशन, और जाने से पहले या लाइक कर लेना सेशन को, फ्यूल डाल देना, अभी तक फ्यूल नहीं डाला है आपने, ठीक है। बाकी यार आप प्लस या आइकन के लिए जाते हो तो कोड आपको पता है कौन सा यूज़ करना है, शार्टेन। एंड मेक श्योर सब ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, अनअकैडमी अंडरस्कोर रौनक शाह एज वेल एज एज द सी मैट, तो उस पर मैं लिंक शेयर करूंगा। अब हम मिलेंगे कल शाम को 7:15 बजे, ठीक है। और कल हम करेंगे LR के, अब तक जितने LR का टेस्ट ही रहेगा, जैसे कल मैंने क्वांट का टेस्ट कराया था, आप लोगों ने क्वांट का टेस्ट देखा क्या, अटेंड किया था क्वांट का टेस्ट, कैसा लगा वो टेस्ट गाइस, एक बार मुझे जरा बताना, हाउ आर द क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जो सीमेंट में ट्रिकी इजी जैसे मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन आते वैसे ही रखे थे, ठीक है। तो वैसा ही LR का टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। ऑफ कोर्स LR के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ जो लॉजिकल है, मैंने कराया नहीं है, ठीक है। आप हमेशा उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग में। मैं क्वांट में आपको प्रोग्रेशन नहीं पूछ सकता क्योंकि मैंने कराया नहीं था, बट LR के अंदर मैं बिल्कुल आपको पूछ सकता हूँ एक नया वैरायटी का पजल, ठीक है। जैसे पेपर कटिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है, भले ही मैंने कराया नहीं है बट पूछ सकता हूँ। तो गाइस एक अच्छी, हाँ नहीं ऋषि मतलब इतना कठोर वर्ड यूज मत करो, ठीक है, नहीं इतना कठोर वर्ड यूज मत करो यार, ठीक है, अपने आपके लिए या किसी के लिए भी। बट ये कह सकते हो कि रिवीजन की जरूरत है, वो जो आपने फ्रेज लिखा है ना उसी को मैं रिफ्रेज कर देता हूँ, हाँ सर रिवीजन की जरूरत है, ये पता चल गया, राइट। ओके हाँ सो करेक्ट। तो सर दोस्तों कल आप कल का सेशन अटेंड कर लोगे तो आपको आगे के सेशन का रिवीजन करने की जरूरत ही है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, अरेंजमेंट्स एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और इनपुट आउटपुट भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर कल का टेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ अच्छा दोस्तों एक चीज और मुझे बता दो कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर दिया है, अगर हाँ तो आपका लास्ट मॉक टेस्ट का स्कोर कितना आ रहा है, आउट ऑफ 400 व्हाट इज योर करंट मॉक टेस्ट एवरेज स्कोर, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। ऋषि VA के लिए यार देखो कोई फैकल्टी ने लास्ट ईयर भी सेशन कंडक्ट किए होंगे, इस साल भी कंडक्ट करते होंगे, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कौन क्या कंडक्ट कर रहा है, मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ यार, वही उसी में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, साथ में कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जैसे आज शाम को 5 से 7 मैंने कैट वालों के लिए मैराथन कंडक्ट किया, तो उनको भी प्रिपरेशन कराना ज़रूरी है, राइट। तो मेरा सारा समय उसमें निकल जाता है, और बाकी के टाइम पे मैं क्रिकेट मैचेस खेलता हूँ, तो आप समझ सकते हो दिन में 1 मिनट नहीं बचता है, सुबह 6 से रात के 12 तक मैं पूरा बिजी रहता हूँ,
कुछ और किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है, दुनिया क्या करती है ये वो चीजों में मैं नहीं जाता। ठीक है चलो गाइज, क्या स्कोर क्या आ रहा है, ये क्या लिख रहे हो? कोई लिख रहा है 100 मार्क्स? भाई ऐसी दर्दनीय हालत क्यों है? 100 मार्क्स तुमने अभी लिखना शुरू किया है तो फिर भी ठीक है, बाकी यार सीमेंट के अंदर मतलब 25 क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही आंसर कर सकते हो। अगर मैंने इतना पढ़ाया हुआ है और तुमने उतना पढ़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से आपके स्कोर अभी 200-230 के ऊपर होने चाहिए। आइडियली आपके स्कोर अभी 230 के ऊपर होने चाहिए। अगर आपने पिछले 1 महीने से, मैंने जितने भी से, एक नहीं 1.5 महीने में मैंने जितने भी सीमेंट के सेशन कराए, साथ में सीईटी के सेशन कराए, वो सारे देखे, डेफिनेटली आपके स्कोर 250 के ऊपर चले गए होंगे। और साथ में आप जीके का खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश का भी कर रहे हो, तो 250 के ऊपर आपके स्कोर चले गए होंगे। और आपके लिए टारगेट यही रहेगा कि आप आने वाले मतलब सीमेंट एग्जाम जब भी होता है, चलो 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद होता है, तो आप ये जो अभी अगर आपका स्कोर आ रहा है 250-260, आप उसको ले चलो 340-350, बिल्कुल लेके जा सकते हो यार। दिस इज वॉट यू शुड बी टारगेटिंग एंड जमनालाल बजाज इज द कॉलेज दैट यू शुड बी टारगेटिंग गाइस, नथिंग लेस देन दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो इतना सिंपल था आपका सीमेंट का प्रिपरेशन का जर्नी यार। आप लोगों के लिए इतने सेशन कंडक्ट किए, जीके आपको खुद से करना था, इंग्लिश के लिए आप लास्ट ईयर के भी कोई फैकल्टी के या 2 साल पहले के फैकल्टी के वीडियो देख लेते यार। प्रपोजिशन या आर्टिकल थोड़ी ना चेंज हो जाते हैं, ठीक है कि यार आर्टिकल 2 साल पहले जहां पे ए लगता था आज दी लगने लगा है, ऐसा थोड़ी ना है। तो क्यों आप ऐसा पूछते रहते हो सर कहाँ से करूँ कहाँ से करूँ? भाई इतने सारे वीडियो डाले हुए, मुझे खुद को याद है यार, हमारे ही चैनल पे एक रितु मैम करके थे, उन्होंने 2 साल पहले मेरे साथ में ही एक सीरीज शुरू की थी। जब फर्स्ट टाइम हमने एज द सीमैट शुरू किया था तो उस पर रितु मैम ने भी सेशन कंडक्ट किए थे, उनकी वीडियो देख लो यार। बाकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना। अरे मोहित मयूरी सिंह, सर माई एम इज 391। मोहित 391 क्यों यार, 9 मार्क्स कहाँ गवाने वाले हो तुम? ठीक है पहले तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, 391 स्कोर इज नॉट पॉसिबल। हाँ 391 स्कोर इज नॉट पॉसिबल, क्यों मोहित थोड़ा सा सोचो। सीमेट एग्जाम में दोस्तों अगर आप सारे 100 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 400 आएगा, ठीक है। अगर आप 99 क्वेश्चन सही करोगे तो आपका 396 आएगा। अगर आप 99 सही और एक गलत करोगे तो आपका 395 आएगा। अगर आप 98 सही करोगे तो आपका 392 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा नहीं, 393 इज नॉट पॉसिबल, 391 इज पॉसिबल, लकीली इट्स पॉसिबल गाइज। 98 सही और एक गलत कर दिया तो 391 आ जाएगा। हाँ 391 पॉसिबल है, 393 नॉट पॉसिबल, सॉरी यार। चलो ये देखो, अब मोहित लिख रहा है सर भाई मिस्टेक टाइप हो गया। अरे भाई पॉसिबल था, 393 एंड 394 इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। पता है इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी एक एलआरडीए का सेट भी करवाया था, बट ठीक है एनीवेज। सो गाइज ये बहुत ही अच्छा एक लॉजिक है कि 395, 394, 393 इज नॉट पॉसिबल, है ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, एनीवेज गाइस। हाँ मतलब आप ये कह सकते हो कि सर आई वांट टू टारगेट मतलब मोर देन 330, आई वांट टू अचीव और समथिंग। चलो ओके, सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं कल 7:15 शाम, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय एंड टेक केयर।